हेलो फ्रेंड, वेलकम टू देसी फूड। आज बनाने वाले हैं फ्राइड राइस मसाला। इसके लिए मैंने 3 कटोरी चावल लिया है, जिसे मैंने साफ पानी से धो दिया है। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे ढककर 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद हमने एक पतीला लिया है और इसमें 5 ग्लास पानी ऐड किया है। साथ ही इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे, 2 इलायची, 1 इंच दालचीनी और 6 से 7 लौंग डाल देंगे। अब हम इसे ढककर बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। मिला ले इसे। अब हम इसे अच्छे से पका ले। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा चावल अच्छे से पक गया है। अब हम मार पसा लेंगे। देख सकते हैं हमारा चावल कितना अच्छा बना है। सब्जी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज प्याज लिया है, जिसे मैंने लंबा शेप में काट लिया है। 1 बारीक कटा हुआ गाजर लिया है, 4 से 5 बीन्स लिया है बारीक कटा हुआ, 1 कटोरी गोभी लिया है, 4 हरा मिर्च लिया है जिसे मैंने लंबा में काट लिया है, 6 लौंग लिया है, 2 इलायची लेंगे और 1 इंच दालचीनी लेंगे। अब हम एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें 5 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, साथ ही 1 इंच दालचीनी, 2 इलायची और 6 से 7 लौंग डाल देंगे और इसे हल्का सा पका लेंगे। अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे और इसे मिला लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। दो मिनट बाद हम इसमें बीन्स और गाजर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे भी हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। दो मिनट बाद हम इसमें प्याज और हरा मिर्च डाल देंगे। मिला ले इसे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इसे पूरी तरह से लाल नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा वेजिटेबल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। अब हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें चिंग का फ्राइड राइस मसाला ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा फ्राइड राइस मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ऐसे ही सर्व कर लेंगे।